हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज की ये जो वीडियो है इज डेडिकेटेड टू सॉल्विंग अ लिटिल बिट ऑफ क्वेरीज एंड डाउट्स जो कि पी के ऑप्शनल कोर्स के रिगार्डिंग रेज की गई थी इन वेरियस पोस्ट्स इन वेरियस वीडियोस की कमेंट्स साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली वी रियलाइज कि अगर एक एस्परेंट जिन्होंने सक्सेसफुली अपना अटैम्प्ट जो है दिया हो रैंक होल्डर हो और ऑप्शनल में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हों उनकी एक तरह से व्यूज़ जानना उनसे टिप्स लेना जो है बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो जाता है तो रुपेश कुमार जो कि दो में उन्होंने जो है पेपर क्लियर किया था रैंक उनका 487 था एंड वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग रुपेश जो है राइट uh, right, एक पीएच कैंडिडेट uh, थे और साथ ही में विजुअल इम्पेयरमेंट के बा, बावजूद भी ही समवन जिन्होंने अपनी एक उससे पहले भी स्टेट गवर्नमेंट की वो जॉब कर रहे थे और जॉब के साथ साथ वो अपने यू के सपने को पूरे करने की कोशिश कर रहे थे राइट और ऑप्शनल की तैयारी उन्होंने कैसे की राइट किस तरह से इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए एंड देन जो है ये फोर एटी सेवन का वो रैंक लाए एंड आज जो है वो आई हैं ठीक है थेके? तो साथ ही में हम जो है उनसे ये टिप्स भी जो है देखेंगे राइट साथ ही में हम लोगों ने जो है शेड्यूल भी जो है ऑफ योर पी एस आई आर का ऑप्शनल कोर्स फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन वो प्रिपेयर कर दिया है तो हम उसकी भी जो है फटाफट बात करेंगे ठीक है सो लेट्स बिगिन वेरी क्विकली अगेन प्रेपरेशन के रिगार्डिंग जो है हम ऑलरेडी भी एक वीडियो बना चुके हैं बट अगेन वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट अगर डिटेल में आप इसके बारे में देखना चाहते हैं तो उसके बारे में जो है वीडियो के बारे में जो लिंक है वो भी नीचे ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पर भी दिखा दिया जाएगा तो आप आप वो वीडियो भी जो है देख सकते हैं अब पेपर वन एंड पेपर टू जो है इनके अंदर चार ब्रॉड सेक्शंस आते हैं सेक्शन ए एंड बी इन बोथ द पेपर्स एंड ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जो आप बोल सके कि ये ईजी सेक्शन है या इसके ऊपर हम कम फोकस कर लेंगे और बाकी पर हम ज़्यादा कर लेंगे राइट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द पी एस आई आर ऑप्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ बोथ ऑफ द पेपर्स ठीक है इक्वली इंपॉर्टेंट है इक्वली डेडिकेशन चाहिए उसमें और इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेपरेशन भी चाहिए साथ ही में हर ऑप्शनल के लिए ठीक है बट पी एस आई आर के लिए इस्पेली राइट right? अगर आपका प्रीवियसली सब्जेक्ट नहीं रहा है तब तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है एटलीस्ट फोर्टीन टू एटीन मंथ्स पहले जो है आप अपनी प्रेप जो है शुरू कर दें ठीक है अब ये क्यों चौदह से अठारह महीने पहले क्यों बिफोर द मेन्स ठीक है जिस साल जो आपने मेन्स लिखना है उससे चौदह या अठारह महीने पहले जो है आप अपनी ऑप्शनल की अच्छे से तैयारी जो है शुरू कर दें ठीक है अब इसका रीज़न है कि पहले तो आप जब पढ़ना शुरू करेंगे आप पहले कॉन्सेपचुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ेंगे ठीक है जब आप टेक्स पढ़ेंगे जब आप लेक्चर सुनेंगे ठीक है तो पहले आप कन्सेप्ट समझेंगे अच्छा ये कॉन्सेप्ट ऐसे होता है ये आइडिया ऐसे होता है ये इसका मीनिंग है देन जो है आता है रिमेंबरिंग का पार्ट ठीक है जब जो है आप थिंकर्स याद करने रखते हैं आप उनको एसोसिएट करने रखते हैं विथ सर्टन कॉन्सेप्ट आप जो थाट्स हैं वेस्टर्न हो गई इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गई उनको जो है उनके वेरियस आइडियाज़ जो है उनको याद रखना शुरू करते हैं जो वेरियस एग्जांपल्स आपने एसोसिएट करने हैं उनको जो है आप uh, याद रखना शुरू करते हैं देन यू मूव टू द इंटरलिंकेजिज ऑफ टॉपिक्स ठीक है अब ऐसा तो है नहीं कि चार सेक्शन बना दिए तो ये चार वाटर टाइट कंपार्टमेंट है नहीं दे हैव अ लॉट ऑफ इंटरलिंकिंग ऑल्सो हैपनिंग एंड इंटरलिंकिंग आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा जो है मल्टीलेयर्ड आपके आंसर्स होंगे उतने ज़्यादा जो है आपके मार्क्स भी आएंगे विजिविथी अदर कैंडिडेट्स ठीक है तो आप जब इन दो स्टेप्स को कवर कर लेते हैं तब आप जो है ये इंटरलिंक कर पाते हैं और तब ये होता है कि आपकी जो स्ट्रक्चर्स एंड आंसर जो है आपका उसका जो कंटेंट है उसका जो आर्ट है उसके अंदर जो है आप पूरे अच्छे से जो है यू एंड अप ब्लूमिंग राइट सो दैट इज़ वाई ये चार स्टेप्स को अच्छे से निभाने के लिए ये जो है ये चार स्टेप्स अशोर करते हैं होलिस्टिक प्रेपरेशन फॉर नॉट जस्ट पी एस आई आर बट एनी ऑप्शनल ठीक है तो जब तक ये चार स्टेप्स पूरे नहीं होते यू कांट एक्सपेक्ट ग्रेट मार्क्स इन दी ऑप्शनल तो इसीलिए टू बी सेफ हम ये टाइम लाइन जो है आपको बोलते हैं ताकि आप ये सारे स्टेप्स जो हैं अच्छे से कवर कर पाए ठीक है अब मूविंग ऑन एक दूसरा जो क्वेश्चन आता है दैट इज के सिलेबस बहुत बड़ा है ठीक है इंटेंसिव भी बहुत है सिलेबस साथ ही में एक्सटेंसिव भी बहुत है सिलेबस दोनों ही है ठीक है काफ़ी बड़ा है काफ़ी ब्रॉड है काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करता है ठीक है साथ ही में इंटेंसिव भी है जैसे कि हमने पहली बात की थी कि हर सेक्शन पे जो आपको इक्वली फोकस करने की ज़रूरत है राइट तो इसके अंदर जो है आपका पोलिटिकल थ्योरी भी आता है पॉलिटिकल थॉट भी होता है चाहे वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स आता है जिसके अंदर ना ही सिर्फ इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स बट इवन एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट पुलिक् रिलीजन एथनिसिटी सोशल मूवमेंट्स ये सब भी डिस्कस होते हैं साथ में ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी होता है साथ इसके अंदर भी एक थ्योरेटिकल इसका पार्ट होता है साथ ही में किस तरह से इसने स्टेट्स को मोल्ड किया है ग्लोबलाइजेशन की क्या आइडिया हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में भी अगेन अ थ्योरेटिकल पार्ट जहाँ पर आप रियलिज़म के बारे में पढ़ते हैं आइडियलिज्म के बारे में पढ़ते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ते हैं बट साथ ही में यू ऑल्सो लुक एट सर्टन डायनामिक एस्पेक्ट्स जहाँ पे आप यू एन एंड उसकी एजेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं रीजनलाइजेशन कैसे हो रही है राइट right? जो आपकी पावर पॉलिटिक्स हैं पूरी uh, uh, दुनिया में राइट सो से फ्रॉम यूनिपोलर टू बाई फ्रॉम फ्राम बायपोलर टू यूनिपोलर टू मल्टीपोलर ये कैसे चेंजेस हो रहे हैं इन सब को भी पढ़ना ज़रूरी है साथ ही में इंडिया इंडिया की इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं इंडिया का क्या रिलेशनशिप है वे साउथ एशिया नैम कैसे बना न्यूक्लियर क्वेश्चन को कैसे हैंडल करता है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या हैं जिसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व है ठीक है तो बहुत ही एक्सटेंसिव सिलेबस है बट इसका ये मतलब नहीं है कि दिस शुड बी अ डेटरेंट फॉर सम नहीं क्यों क्योंकि सिलेबस ऐसा है जो कि कवर किया जा सकता है अगर आप एक डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं सेकेंडली जैसे कि हमने पहली बात की है बहुत सारे ओवरलैप्स हैं विद जी So, आपकी फाउंडेशन जो है कई चीजों में ऑलरेडी के कारण बन गई है आपने जो है उसके ऊपर बिल्ड करना है तो फॉर एग्जाम्पल पेपर वन के जो सेक्शन बी का ओपनिंग टॉपिक है विद रिगार्ड टू नेशनल मूवमेंट इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल वो आपके जीएस वन के मॉडर्न हिस्ट्री पाथ से जो है रिलेटेड है ये पहले भी मैं डिस्कस किया गया है कि आप बिपिन चंद्र की जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है उसकी अगर आप इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूडिंग चैप्टर पढ़ते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है इन टॉपिक से राइट right? नेक्स्ट आप जो अगेन पेपर वन का जो सेक्शन बी है उसमें ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बोथ सेंटर एंड स्टेट ग्रास रूट डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन कमीशन फेडरलिज्म इन सब चीज़ों की बात की गई है विच आर अगेन जी एस टू बेस्ड आपने उनकी एनालिटिकल चीज़ें देखनी है थ्रू एडिटोरियल सो सो ऑन फोर्थ राइट नेक्स्ट आप सोशल मूवमेंट्स राइट सोशल मूवमेंट्स में भी हो गए आपके विमेन इश्यूज़ हो गए कास्ट हो गया रिलीजन हो गया प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल रिलेटेड इशूज़ हो गए जो कि आपके जी एस वन के सोशल इशूज से जो है इंटीमेटली रिलेटेड है लास्टली वेरियस थिंग्स लाइक इशूज़ ऑफ जस्टिस ठीक है कि जस्टिस किस तरह से आप इमेजिन करते हैं प्रोसीजरली इक्वालिटी ठीक है कि क्या अगेन यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर होना चाहिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए किस तरह का इक्वालिटी होना चाहिए फ्रीडम का आइडिया ठीक है साथ ही में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के चेंजेस परस्पेक्टि चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स क्या हैं राइट right? साथ ही में थिंकर्स हो गए आपके इंपॉर्टेंट थिंकर्स लाइक प्लेटो लाइक एरिस्टोटल रोल्स ये सब जो है ना ही सिर्फ जी एस फोर में एथिक्स के अंदर जो है इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं ठीक है ठेके? इनकी थ्योरीज को लेकर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं आपको रिसेंटली याद होगा रॉल्स के ऊपर जो है आया था राइट right? साथ ही में आप इनको केस स्टडीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं ये जो कॉन्सेप्ट हैं उनको केस स्टडीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं ये ये वाले कॉन्सेप्ट भी और ये वाले कॉन्सेप्ट भी और साथ ही में ऐसे के अंदर भी ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा काम करते हैं राइट सो so, इसीलिए जो है आपको वास नहीं या डरावना नहीं लगना चाहिए पीएसआई का सिलेबस बट इट इज समथिंग दैट इज वेरी कॉम्प्लीमेंट्री विद योर जीएस एंड समथिंग दैट कैन बी कवर्ड वेरी इजिली एंड मोर इंपॉर्टेंटली इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डे टू डे अखबारों में एडिटोरियल्स में आप प्रताप भानु मेहता के आर्टिकल्स पढ़ लीजिए आप क्रिस्टोफर जैफर लॉट के आर्टिकल्स पढ़ लीजिए आप योगेंद्र यादव के आर्टिकल्स पढ़ लीजिए पी एस आई आर जो है विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दोज एडिटोरियल्स सो मच बेटर ठीक है नेक्स्ट आप पेपर जो है अब क्या ये बहुत डायनामिक है क्या ये स्टैटिक है ये एक हेल्दी मिक्स है ऑफ बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक कॉम्पोन तो हम पेपर वन का जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पेपर वन में कई हिस्से हैं कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अरे ये तो काफ़ी स्टार्टि क्वेश्चन है नहीं तो फॉर एग्जाम्पल प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस होगी तो प्लेटो जब आपको पढ़ाया जाएगा तो थ्योरी ऑफ जस्टिस के जस्टिस एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो आपको कवर कराया जाएगा ठीक है नेक्स्ट एम एन रॉय ठीक है उनका मार्क्सिजम पे क्या उनका कहना था किस तरह से उनको मार्क्सिज्म में फ्लॉज उनको क्या लगे क्यों वो रेडिकल ह्यूमनिज्म की तरफ बढ़े ठीक है उस रेडिकल ह्यूमनिज्म के क्या कॉम्पोनेंट्स थे अगेन दिस इज समथिंग दैट विल बी कवर्ड एट जो दीज आर स्लाइटली मोस्ट स्टैटिक एलिमेंट्स राइट देन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते होते हैं विच आर एक्सट्रीमली डायनामिक ठीक है जैसे कि हो गया फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस तरह से ये एक सोल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इनका रिलेशनशिप के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं राइट तो ना ही आपने एवोल्यूशन देखनी है बट से करंट कंटेम्प्रेरी न्यूज़ में इनके इनके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आते हैं आप उसकी बात कीजिए सिमिलरली यहाँ पर आ गया कि आप क्या आप अग्री करते हैं विद द आइडिया कि इंडियन स्टेट इंड एक न्यू लिबरल स्टेट है अगेन देर इज नो राइट और रॉन्ग टू द क्वेश्चन दो दो एक आपका जो मेन पॉइंट आता है जो हम आंसर राइटिंग पे भी आएंगे हाउ डू यू सबस्टैंशिएट ड्यू यू से? ठीक है आप किस तरह से एग्जाम्पल्स देते हैं ठीक है तो फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन को आप देते हैं इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में आप बात करते हैं ठीक है आप चेंजिंग वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ न्यू लिबरल स्टेट जो है आपको दिखते हैं वेलफेयरिज्म कम हो रहा ठीक है तो आपको क्या दिख रहे हैं ठीक है तो उसके बारे में आप किस तरह से इनको एग्ज़ाम्पल्स के साथ सबस्टैंशिएट करते हैं अगेन जैसे कि हमने बात की कि अ लॉट ऑफ राइटर्स एंड अप राइटिंग ऑन इट फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जॉन डरेस जो हैं इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं अमर्त्य से इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको लेके नहीं तो हाउ डू यू ये एडिटोरियल्स के आप कुछ इंपॉर्टेंट कॉमेंट्स हैं अपने आर्टिकल्स में कैसे इंग्रेन करते हैं वो भी देखना बहुत ज़रूरी है देन देर आर ऑब्वियसली सर्टन क्वेश्चन विच आर मिक्स ऑफ बोथ द डायनामिक इन द स्टैटिक एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है कि पैसिव रेवोल्यूशन जो कि कंसीव किया किया गया था भाई ग्राम्स जी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है टू एक्सप्लेन इंडियन पॉलिटिक्स अब पैसिव रेवोल्यूशन क्या होता है ये भी आपको पढ़ा दिया जाएगा ठीक है ग्राम्स जी ग्राम्स जी का आइडिया ऑफ हेजिमिनी क्या है ग्राम्स जी किस तरह से व्यू करता है पैसिव रेवोल्यूशन को किस तरह से ये पैसिव रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है बट यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे थ्योरी या थॉट में नहीं पूछा जा रहा है क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है इंडियन पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है तो आप इंडियन पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं वे डू यू स्टार्ट फ्रॉम you start from the pre-independence era, right? For example, Bipin Chandra बात करते हैं passive revolution की and इसको link करते हैं वो freedom struggle से especially with the role played by Gandhi. ठीक है किस तरह से आप इसको contextualize करते हैं अब आके right? Maybe से in the Anna Hazare movement, right? Then next एक जो question है erosion of authority can pave way for a totalitarian rule. ठीक है अगेन इसके अंदर आप अथॉरिटी का मीनिंग भी समझते हैं टोटेलेटेरियनिज़म का भी मीनिंग समझते हैं अगेन हाउ डू यू सब्सटैंडिएट द स्टेटमेंट विथ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स ठीक है तो क्या है यहाँ पे दोनों का ही एक मिक्सचर हो रहा है जो कि आपको इन क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है राइट अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है सामने दैट इज़ कि अब हमने ये समझ लिया कि हाँ ये सारी चीज़ें जो हैं जाननी ज़रूरी हैं तो किन टेक्स्ट से हम जो है शुरुआत करें अब इम्पॉर्टेंट है ये भी जानना कि देखिए टेक्स्ट तो बहुत सारे अवेलेबल हैं बट हर टेक्स्ट आप पढ़ नहीं सकते अगर आप हर टेक्स्ट पढ़ भी लेते हैं तो आप हर टेक्स्ट को फिर रिवाइज नहीं कर सकते एंड इफ़ यू आंट रिवाइजिंग इट देन देर इज नो पॉइंट स्टडिंग इट बिकॉज आपको नहीं याद रहेगा ठीक है तो कुछ फाउंडेशनल टेक्स्ट पढ़िए ठीक है ठेके? हर सेक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उनको देखिए उनको बार बार पढ़िए राइट बिकॉज रिविजन इज द की नॉट जस्ट इन द ऑप्शनल बट इन यू जब तक आप कंटिन्यूसली रिवाइज नहीं करते हैं आपको याद नहीं रहेगा आपके जहन में बात नहीं बैठेगी और आप जो है ढंग से पेपर नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे इसलिए ये टेक्स्ट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर एग्ज़ाम्पल अगर आप पॉलिटिकल थॉट लेते हैं तो उसके लिए इग्नू के बड़े इंपॉर्टेंट बंडल्स हैं एम पी एंड जीरो जो कि वेस्टर्न एंड इंडियन के साथ हैं रिलेट करते हैं अगेन एक्सट्रीमली सिंपल लैंग्वेज ठीक है बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन है जितने मेन चीज़ें हैं उनको कवर करते हैं सो एज़ अ फाउंडेशनल दे देर ग्रेट बिल्डअप की ज़रूरत है बट फाउंडेशन बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे टेक्स्ट हैं ओ पी गोबा पॉलिटिकल थ्योरी के लिए राइट मोर और लेस ऑलमोस्ट सारे जो हैं टॉपिक्स कवर कर देता है ऐसी भी चीज़ें हैं जो इसमें कवर्ड नहीं है फॉर एग्जांपल मल्टीकल्चरलिज्म जैसे आप देखेंगे एरस मैरिनंग किम्लिका की जो थ्योरीज हैं वो नहीं आती हैं यहाँ पे, बट दे कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इस्पेशली से इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्सट ठीक है बट अगेन ये एटलीस्ट बेसिक तो कवर करा रहा है तो पहले हम वो तो कवर कीजिए उसके बाद बिल्डअप होगा ठीक है देन लक्ष्मीकांत एंड ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया ठीक है अगेन दीज आर टू बेसिक टेक्स्ट जिनके साथ फमिलियरिटी बहुत जरूरी है लक्ष्मीकांत या डीडी बसु विच एवर यू प्रेफर एंड ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया अगेन ऑक्सफर्ड कम्पेरिंग टू पॉलिटिक्स इन इंडिया के जो चैप्टर्स हैं आप ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू के ठीक है इतने ज़्यादा उनसे सिमिलर है एंड अगेन दे आर वेरी सिमिलर राइटर्स हुआ राइटिंग दे ठीक है यू हैव शे प्रताप हानु मेहता नीलजा गोपाल राइट यू हैव नीरा चंडोक यू हैव पीपल लाइक योगेंद्र यादव विलेरियन रॉजिक्स ठीक है सो All of these people are involved in writing these chapters also, right? So they become very interesting read. And again, आपके एनालिसिस वाला जो पार्ट है जो अगेन इज द मेज द हार्ट एंड सोल ऑफ द ऑप्शनल उसमें ये बहुत हेल्प करता है लास्टली कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो है आपके पेपर टू का बिगनिंग पार्ट उसमें भी इग्नू का मटीरियल जो है काफ़ी अच्छा है इसके लिए बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल होती है बट अगेन दो बुक्स आर वेरी बल्की एंड कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए उतनी बल्कि जो बुक्स पढ़ना जो है उतना आपको जो है रिटर्न नहीं मिलेगा ठीक है नेक्स्ट आप ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाई बेलीजन स्मिथ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी फाउंडेशनल बुक्स आई आर का ऑलमोस्ट हर चीज जो है इस बुक में कवर्ड है ठीक है एंड नेक्स्ट ऑक्सफर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इसके कुछ चैप्टर्स हैं अगेन इट्स अ वेरी थिक बुक बट कुछ चैप्टर्स जो हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन हमारा जो पी एस आई आर का कोर्स हम चलाने चलाने वाले हैं ट्वेंटी फिफ्थ में से जो है उसकी ओरिएंटेशन क्लासेज एंड दिस इज वॉट विल वी बी डिस्कसिंग पहले सोर्सेज इम्पॉर्टेंट सोर्सेज एंड कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं दैट वी विल बी सेंडिंग राइट कि आपस उतना ही पढ़िए उसके बी ना जाइए उसके बी जाने का का जो काम है लीवे टू द टीचर लाइक लेट डू इट मटीरियल एंड गिव इट यू ठीक है अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है आदा शुभ्रा रंजन नोट्स ठीक है uh, हर जगह दिल्ली के अंदर सो ऑन सो सोफोट ये नोट्स जो हैं अवेलेबल हैं राइट अ लॉट ऑफ किड्स एंड आफ टेकिंग दैम लॉट्स ऑफ बुकलेट्स जो कि कवर करते हैं सारे सेक्शन को एंड दीज आर वेरी गुड नोट्स ठीक है वेरी गुड नोट्स बहुत अच्छे से कवर करते हैं वेरियस टॉपिक्स को वाइड कवरेज है इनकी और लैंग्वेज भी जो है इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट ठीक है पॉइंट वाइज है लैंग्वेज इतनी डिफ़िकल्ट uh, नहीं है बिगिनर्स भी इसको समझ सकते हैं बट द पॉइंट इज़ कि नोट्स हैं पॉइंट वाइज हैं रट्टा आप नहीं चढ़ा सकते हो फॉर यू अगर आपको लगता है कि से मे बी बोर्ड्स की एग्जाम की तरह मेरा कोई वीक सब्जेक्ट है रट्टा चढ़ा के चला जाता हूँ मार्क्स आ जाएंगे दैट विल नॉट वर्क इन यू जैसे कि हमने देखा है डायनामिक आंसर्स आते हैं एनालिटिकल आंसर्स आते हैं विल नॉट वर्क कंसेपचुअल अंडरस्टैंडिंग वर्क सो so, ऑफन क्या होता है कि ये नोट्स के साथ अगर कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल ना हो अगर आपको कोई स्टोरी ना सुनाए कि प्लेटो ने प्लेटो के जो आइडियाज हैं प्लेटो ने क्यों सोचा फिलासफर किंग को क्यों उसको नहीं पसंद थी डेमोक्रेसी किस तरह से वेरियस लिंकेजेस होती हैं उसकी आइडियाज़ में कि थ्योरी ऑफ़ फॉर्म्स किस तरह से रिलेट होती है जस्टिस से किस तरह से फिलोसोफर किंग और उसकी एडुकेशन में रिलेशन है कम्युनिज्म ऑफ वाइव एंड प्रॉपर्टी में क्या रिलेशन है तो आपको जब ये एक ये लिंक्स नहीं बनेंगे ना तो आपको टेक्स्ट भी नहीं समझ में आएगा सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम राइट यू नीड दोज फिलर्स यू नीड दोज डिटेल्स यू नीड कंसेपचुअल क्लैरिटी जो कि सिर्फ नोट्स पढ़ के नहीं आ सकती वो समझ के ही आती है एंड आप एक और ये चीज़ देखिए आप यू ट्राई रीडिंग द नोट्स राइट ऐसे ही एंड उसके बाद आप कोई लेक्चर सुन के उसके बाद नोट्स पढ़ने की कोशिश कीजिए आपको लगेगा अरे वाह कितनी क्लैरिटी आ गई सो से इफ़ एनी ऑफ यू हैव दोज नोट्स आप प्लेटो का मे बी या एरिस्टॉटल का चैप्टर उठाइए हमारी जो फ्री पॉलिटिकल साइंस की हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें प्लेटो एरिस्टॉटल दोनों एक्सप्लेन है आप वो जो वीडियोस हैं वो सुनिए पहले एक बार ये पढ़ लीजिए ठीक है उसके बाद वो सुनिए और फिर दोबारा गो बैक टू द नोट्स यू विल अंडरस्टैंड किस तरह से थिंग्स आर बिकमिंग इवन मोर क्लियर ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है इज ऑनलाइन सोसेस फॉर एग्ज़ाम्पल सी पी ठीक है हमारा कोर्स भी जो है ऑनलाइन है हमारी प्ले लिस्ट भी जो फ्री की थी वो भी ऑनलाइन है ठीक है ऑनलाइन सोर्सेज की रिलाईबलिटी कितने अच्छे हैं ये कितने अच्छे नहीं हैं कितना ज़्यादा ये हेल्प करते हैं सो इन स्टेर ऑफ मी टॉकिंग अबाउट इट अ ग्रेट थिंग इज़ अगेन जिनकी हमने बात की थी रुपेश राइट right? अब जो है वी विल गेट हिम इन प्ले एंड ही विल लेट यू नो कि उनका क्या कहना है

उसमें मैंने फेब ट्वेंटी एटीन में उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी okay. और उसमें जैसे एड ऑन होते हैं आ, स्लीपी का एक फिफ्टी फोर लेक्चर की सीरीज है पी एस आई आर उसमें जो फिलर्स होते हैं कि उसमें आपको मार्क्स कच करें uh -huh. वो मैंने उसमें ऐड करे अपने एग्जाम में लिखे तुमने यह बताया कि तुमने जनवरी 2018 में अपना ऑप्शन शुरू किया right. और जो जून 2018 में तो प्रीलिम्स भी आ रहे हैं, right. प्रीलिम्स भी क्रैक कर रहे हैं right. और ऑप्शनल की तैयारी भी कर रही है कि रैंक आ जाए right. और तुम्हारे ऑप्शन में मार्क्स भी काफी आए हैं 287 287 तो ऐसा है कि लोग 6 6 साल पढ़ते भी नहीं ले पाते तो कुछ बताओ कि ये जादू कैसे हुआ सर इट इज नॉट अ मैजिक दिस इज जस्ट यू कंसंट्रेट ऑन यर सेल्स यू हैव टू आपको अपने आप में विश्वास चाहिए कि मैं कर सकता हूं पहली बात तो ये है और दूसरी बात है कि आपको वन सोर्स आपको लेना उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है ना कि मल्टीपल सोर्सिस मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल वन टाइम्स इट इज नॉट अ स्ट्रेटेजी वन सोर्स मल्टीपल टाइम वो आपको करेगा जब आपने उसका जो है ना कॉन्सेप्ट क्या है अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जब आपने उसको समझ लिया तो नथिंग इज इम्पोसिबल अब ये जो टिप है जो रुपेश जी द्वारा दी गई अबाउट वन सोस मल्टीपल टाइम्स ये आप कुंजी बना लीजिए ठीक है फोकस्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड स्टडी ठीक है कुछ फाउंडेशनल टेक्स्ट पकड़िए और उनको बार 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 पढ़िए ये जो है आपकी कुंजी है ठीक है इसके अलावा ऑब्वियसली यू हैव टू कीप रीडिंग थिंग्स लाइक से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो ई में आते हैं राइट right? uh, कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जैसे कि फ़्रंट लाइन के अंदर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं साइट्स जैसे कि आपकी इड्सा हो गई राइट फॉरेन पॉलिसी हो गई फॉरन पॉलिसी डॉट कॉम तो इन पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आती रहती हैं राइट ओब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सब पढ़ पाएं बट कुछ चुनिंदा चीज़ें अगर आप पढ़ लें ठीक है एडिटोरियल्स तो आर अ मस्ट ठीक है जैसे कि सी राजा मोहन जो लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है स्पेशली इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग सिमिलरली पीबीएम बी गोपाल जयाल योगेंद्र यादव आशुतोष वाशिनी इनके आर्टिकल्स कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट अब ये सब ये जब मल्टीपल रिविजन्स एक डेडिकेटेड सोर्स को आप जब प्रिपेयर कर लेते हैं तब जो है आते हैं हम इन टैकलिंग आंसर राइटिंग फॉर पी एस आई ऑप्शन ठीक है क्योंकि इसके जो है दो इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं एक है स्ट्रक्चर और दूसरा है कंटेंट कई बार जो है बच्चे सिर्फ इस पर फोकस करते हैं और इसको भूल जाते हैं और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ इफ़ दिस इज़ मिसिंग राइट एटलीस्ट हाफ ऑफ योर मार्क्स विल गो तो जो आपके पोटेंशली मार्क्स आ सकते हैं उसमें से आप आधे मार्क्स काट लीजिए क्योंकि अगर आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है ना तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो स्ट्रक्चरली आंसर स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है एंड ये पॉसिबल सिर्फ तब है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसके थ्रू स्ट्रक्चर्स जो हैं ढंग से निकल के आ जाए फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन आता है माइकल वॉल्सर की कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी पे तो किस तरह से आपने उसको शुरू करना है किसको आप किस उसको आप रोल्स के साथ किस तरह से कंपेयर करेंगे कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी को क्या समझाएंगे राइट right? उसके बाद कैसे बता कि कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी एंड फेयर्स ऑफ जस्टिस में जो इस आइडिया की बात कर रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है कैसे एग्जांपल्स देंगे फॉर एग्जांपल आप कास्ट का एग्जांपल देके कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी को किस तरह से और बेहतर समझा सकते हैं कंक्लूड कैसे करेंगे ये सब चीज़ों पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना तो क्वेश्चन कम्स दैट हाउ विल स्लीपी कोर्स हेल्प यू विद ऑल दीज एलिमेंट्स दैट हैव बीन पॉइंटेड आउट तो हम आपको बता देते हैं राइट कंसोलीडेटेड कोर्स की बात की गई थी राइट right? एक सोर्स को बार बार करने की बात की गई थी तो इंस्टेड ऑफ़ यू हैविंग टू गो रीड मल्टीपल सोर्सेज यू विल हैव कंटेंट वीडियोज जो कि कॉन्टेक्स्ट बनाएगा और क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो है आपके लिए लेकर आएगा ठीक है साथ ही में जो है इसमें पीडीएफ होंगी जिसमें ना ही सिर्फ फाउंडेशनल टैक्स बट जो ओवर एंड अबव एडिशनल टैक्स हैं उसका मटीरियल भी होगा रेगुलर जो है इसमें आंसर राइटिंग होगी दो चार जो हैं इसमें हाफ लेंथ या आपके सेक्शनल टेस्ट हैं और दो फुल लेंथ टेस्ट हैं साथ ही में इवेल्युएशन भी है मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे और वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं साथ ही में एक टेलीग्राम ग्रुप भी होगा जहाँ पे बच्चे अपने डाउट्स को जो है रिड्रेस कर सकते हैं अगर कुछ जो है अराइज होता है तो इस तरह से स्लीपी होप कर रहा है दैट इन एक्सट्रीमली लो कॉस्ट कोर्सेज ठीक है अगर आप कोई भी टैबलेट कोर्स आज देख लें पी एस आई आर का राइट द बेर मिनिमम कॉस्ट जो है इज अराउंड सिक्सटी के वी आर गिविंग इट टू यू राइट एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट राइट तो ये जो है इसलिए नहीं है बिकॉज वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी नहीं इट इज़ बिकॉज वी स्टैंड फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडुकेशन एंड वी स्टैंड फॉर द फैक्ट दैट एवरी चाइल्ड राइट एवरी स्टूडेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री शुड हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू क्रैक दिस यू पी एस सी ठीक है तो अब शेड्यूल पर आ जाते हैं वेरी क्विकली इसका शेड्यूल जो है वेबसाइट पर अटैच कर दिया गया है ओरिएंटेशन ट्वेंटी फिफ्थ मे से क्लासेज जो हैं फर्स्ट जून से है राइट तो हर सेक्शन का दोनों ही पेपर्स का पेपर वन का ये सेक्शन ए के टॉपिक्स या सेक्शन बी के टॉपिक्स क्या शेड्यूल है फॉर कंप्लीशन ये सारा दिया गया है सिमिलरली पेपर टू सेक्शन ए सेक्शन बी टॉपिक्स क्या शेड्यूल है इसके कम्प्लीशन का सब कुछ दिया गया है तो मतलब आपको शेड्यूल वाइज कम्प्लीसन होगी पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा राइट right? आपकी रेगुलर आंसर राइटिंग हो रही है सेक्शनल टेस्ट है आफ्टर एवरी सेक्शन गेट्स डन ऑफ बोथ द पेपर्स साथ ही में फुल लेंथ टेस्ट भी है राइट right? ये जो है हमारे वेरियस पैकेजेस अवेलेबल हैं अगेन Hoping to cater and provide the best quality content there is, so that your dream of UPSC can come true. Right, we are proud of our students like Rupesh. Right, we are proud of the fact that they are achieving, they are living their dream, and that is what we are hoping for the rest of you as well. Right, thank you, and hopefully see you guys on 25th of May.